मेरा नाम चंदन प्रीत चौहान है, मैं यूक्रेन में इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और आपको जैसे पता है 24 तारीख को यूक्रेन में अटैक हुआ था, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा पैनिक लगा, लेकिन जो फ्रेंड्स थे और परिवार वाले थे वो बार बार कॉल कर रहे थे, हमें प्रोत्साहन कर रहे थे कि नहीं बेटा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद हमें एम्बेसी से भी कॉल्स आ रही थी, हम एक कॉल कर रहे थे तो उन्हें बताया जा रहा था, हमें गाइडलाइन दे दी जा रही थी कि आप ये कीजिए वो कीजिए। और उसके बाद हम जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया हमने 26 को, बॉर्डर में हमें यूक्रेन में थोड़ी परेशानियां हुई, जैसे कि वहाँ हमें जाने नहीं दे रहे थे परमिशन, स्मॉल क्वान्टिटीज़ में बच्चे जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब रोमानिया हम पहुँचे तो वहाँ हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। हम परसों ही आए थे, फ्लाइट हमने बुक करी और हम यहाँ वापस सही कुशल आ गए। और मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा जो मेरे मित्र हैं वहाँ पे यूक्रेन में जो अभी फंसे हुए हैं, कि आप चिंता मत कीजिए, मोदी सरकार है, क्योंकि मोदी है तो सभी मुमकिन है। हमारे को ऐसा नेता मिला है जो कि सभी बच्चों को अपने घर में छोड़ रहा है और यूक्रेन से बच्चों को भी अपने घर में पहुंचा रहा है। मैं मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारे बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास आ जाए।